Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. ये तीन फंक्शंस हैं, चार, इनकी जरूरत पड़ेगी लगातार. फाई एन, कोप्राइम, टाउ एन डिवाइजर्स एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम पी विच डिवाइड्स एन फैक्टोरियल. ठीक है, इसका जो क्वेश्चंस आए हैं इस पे, ये एक दो क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये तो खैर लगातार चलेगा. इस पे क्वेश्चन साइलो में यूज होता है, बट डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया हुआ इसके ऊपर. खासतौर से जैसे मैंने कहा ना कि नंबर ऑफ जीरोस इन एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन टू द पावर एन अपॉन फाइव ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एन अपॉन फाइव स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर. नहीं, इफ समवन आस्क यू हाउ मेनी जीरोस इन 30 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो कितने जीरोस आएंगे. सो 30 ओवर 5 प्लस 30 ओवर 25 खत्म, और ये हुआ 6 7. सो 30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू सम नंबर इनटू 10 टू द पावर 7. नहीं, बाकी जो होगा अदरवाइज भी यू, दिस इज वेरी सिस्टमैटिक मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन फैक्टोरियल. अगर आपको 30 फैक्टोरियल प्राइम फैक्टर चाहिए आपको, तो 2 इंटू वही 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 30 ही चाहिए ना. तो हाउ मेनी प्राइम्स, 2 इज अ प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23 है ना, 29 और भी बीच में नहीं है ना. अब इनकी पावर्स है ना, जैसे यहां मिल गया 7, यहां मिल जाएगा 10 प्लस 3 स्क्वायर है ना, और फिर प्लस 1 यहां 14 आ जाएगा एंड सो ऑन. हाँ जी, ये वाला इसमें बताओ कहां से क्या एक्सप्लेन करना है. अच्छा एक बार बताओ आप मेरे को, व्हाट इज 5 फैक्टोरियल. फाइव फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल हाँ तो वो भी मुझे पता है, 7, 12, 6, 72 720 है ना, 7 फैक्टोरियल 5040. द नंबर सी 120 720 5040, ठीक है ना. 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, 7 0 0 7 4 7 4 50 ठीक है, हो गया. द मोमेंट यू गो फॉर 8 फैक्टोरियल अगेन 0 दिस नहीं 40,320 5040. अगर मैं लिखूं इसको तो 12 इंटू 10 72 इंटू 10 504 इंटू 10 एंड 4032 इंटू 10. लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, एक ही जीरो आ रहा है ना. अगर मैं यही लिख दूं कि 50 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, हाउ विल यू फाइंड, दो ही आएंगे.
क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कितने जीरो आएंगे? तो उस तरीके बता रहा हूं कि आप 50 over 5 square plus 50 over 5 cube करते ये इससे बड़ा हो जाएगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1। दिस, हा जी कुछ कुछ तकलीफ है ना? ये हुआ 10, ये हुआ 2, और ये हुआ 0, फिर 0 0 कितने आ गए? तो जो भी नंबर आएगा इनटू लास्ट में 12 जीरोस होंगे 50 फैक्टोरियल में। और जीरो कहां कहां से आ रहे हैं? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 10 into 15 20 25 30 35 40। सब जगह 2 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 5 के मल्टीपल मिल रहा है ना, एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, दो एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, दो यहां से, फिर 30 से, फिर 35, देन 40 एंड देन 45 एंड देन 50 हैज 2, 25 इंटू 2 तो मिला के जोड़ लो तो वो 12 अपने आप ही आ रहे होंगे, है ना? और इतने 5 आ रहे हैं, और जब 5 इंटू 2 होता है तो 10 बन जाता है, एक जीरो प्रोड्यूस हो जाता है, और 2 ज्यादा होंगे हमेशा 5 से, एवरी ऑल्टरनेटिव एटलीस्ट 2, तो 5 ज्यादा होंगे 2 ज्यादा होंगे, 2 बहुत ज्यादा होंगे, तो मुझे जितने 5 उतने 2 तो चाहिए ना, उतने 2 मिल भी जाएंगे, तो 2 इंटू 5 हमेशा एक 10 देगा, उसके अलावा 10 कभी प्रोड्यूस होगा नहीं, वो जितने 10 प्रोड्यूस होते हैं उतने ही 0 होते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो 10 0 प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट द नंबर। जीरोस व्हेन यू काउंट इन अ नंबर देयर इज दैट ना, जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर, दैट इज व्हाट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग बात अगेन अगेन इन दिस फॉर्मेट, दिस इज व्हाट दिस है ना, वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस के है ना, लास्ट में इतने जीरोज आएंगे। सो 10 टू द पावर के डिवाइड्स एंड 10 टू द पावर के प्लस 1 डजंट डिवाइड। अगर कोई पूछे कि 10 टू द पावर के डिवाइड्स n फैक्टोरियल एंड 10 पावर के प्लस 1 डजंट डिवाइड n फैक्टोरियल, देन व्हाट इज के? अलजेब्रा स्टार्ट होगी आपकी। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. आज बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। विल स्पेयर वन लेक्चर फॉर कांग्रुएंस इक्वेशन, जब तक कि ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता है। 10 पावर के, तो सिंपल 5 काउंट कर लो, मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, दैट इज व्हाट कॉलिंग एट द जीरोस एट द एंड, जीरोस एट द एंड, ठीक है? चल वी स्टार्ट। सर उससे किसी भी प्राइम की हमें मैक्सिमम पावर नहीं मिलती? वो भी मिलती है, पर जीरोस के चलते तो 5 का फायदा हो रहा है, 5 भी तो प्राइम ही है ना, किसी प्राइम की मैक्सिमम पावर मिलती है। हाँ, उस फॉर्मूले से वही मिलता है, उस फॉर्मूले से वही फॉर्मूला दिया ना कि p टू दी पावर k डिवाइड्स n फैक्टोरियल एंड p टू k प्लस 1 डजंट डिवाइड n फैक्टोरियल, दैट इज दैट प्राइम p। अच्छा आपसे ये पूछे, सही सही बताना, बिल्कुल ठीक से बताना, ठीक है? फैक्टोरियल 24 6 पावर k डिवाइड्स दिस एंड 6 पावर k प्लस 1 डजंट डिवाइड, बताइए के क्या आएगा? क्वेश्चन सिंपल, 6 तो प्राइम नहीं है ना, आप बताओ, 3 की ढूंढ लीजिए, इजंट इट? जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, दिस यू कैन राइट 6 टू द पावर r2, 3 हमेशा 2 से ज्यादा होंगे, लार्जर प्राइम आर ऑलवेज लेस देन द स्मॉलर प्राइम इन एनी वे, बिकॉज इज 1 2 3 एंड सो ऑन मल्टीपल एवरी सेकेंड, उससे पहले वो प्राइम फिर से आ जाएगा उसका मल्टीपल,
सिक्स एटलीस्ट यहां दिख ही रहा है ना, और आगे कहीं सिक्स प्रोड्यूस होगा? आगे सारे प्राइम है ना, दे कैन नेवर प्रोड्यूस सिक्स, आगे क्या आ रहे हैं 3, 5, 7 फर्दर देयर इज नो प्राइम विच इज मल्टीप्लाइड सो विच कैन बी मल्टीपल ऑफ 3, 6 और यहां आ जाएगा 2 इज पावर r1 - r2 5 to r3 एंड सो ऑन दे आर टूगेदर. अब ठीक है, नाउ दिस आर टू इज द लार्जेस्ट. अब तो नहीं डिवाइड करें ना, इफ फर्दर 6 to power some power डिवाइड वॉन्ट टू डिवाइड इट हैज डिवाइड हियर, एक प्राइम तो यहां होना चाहिए ना, एंड दैट्स दैट. तो ये कर लेते हैं, इफ यू हैव टू डिवाइड बाय अ प्राइम व्हिच लार्जेस्ट प्राइम द फॉर्मूला, इफ इट इज नॉट प्राइम देन अमॉन्ग दैट मल्टीपल फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम. ठीक है, दैट मे हेल्प यू. दोनों है तो वो होंगे होंगे वहां पर. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू से 12 to the power k divides and 12 to the power k plus 1 doesn't divide. Actually, you are trying to divide by 2 raised to the power 2 into 3. उसकी पावर आएगी, है ना? If you want to 12 power k divide n factorial, it is basically 2 is power 2, 3 power k. This divide n factorial 2 raised power 2 k into 3 power k. This divide n factorial. आप ढूंढ सकते हो वहां पर वट शुड बी के लार्जेस्ट इन दिस वे इट हैपेंस. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा था कि से 24 फैक्टोरियल में 2 रेस पावर कितना आएगा 12 + 8 + 6 + 3 + 1 ये आएगा 24 upon 2 square 24 upon 2 cube 8 3 is a 24 upon 2 is for 4 16 and then this is what 2 is power 22 3 24 over 3 8 24 over 9 2 24 over 27 no theek hai. And then into 5, into 7, whatever these numbers will be there, there's their powers A, B, and then 11, C, and so on. This I can write as 12 to the power. Look at here now. Kitna le sakta main 12 to the power yahan par? Ek saath. 10? Na? Yes. Ek 2 bachenge na wahan par. यहां पर मैंने 10 किया तो इंटू 2 स्क्वायर है ना 20 खर्च हो जाएंगे यहां पर 2 स्क्वायर और 5 टू द पावर ए 7 टू द पावर बी 11 टू पावर सी एंड सो ऑन. दिस प्रोडक्ट इज 12 एंड दिस प्रोडक्ट आर को प्राइम. इंपॉर्टेंट ये भी होता है इफ एम डिवाइड्स ए इंटू बी इट डज नॉट इंप्लाय एम डिवाइड्स ए और एम डिवाइड्स बी, ऐसा नहीं होता. ठीक है, यहां जो छोटे दो रूल्स हैं वो समझ सकते हैं हम लोग. नंबर वन, इफ पी डिवाइड्स ए इंटू बी इंप्लाइज पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी वेयर पी इज प्राइम. एक ये ठीक है. सेकंड, एम डिवाइड्स ए इंटू बी एंड जी सी डी ऑफ एम कॉमा ए इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज एम मस्ट डिवाइड बी. ठीक है, को प्राइम को डिवाइड करेगा भी नहीं, दिस एम शुड डिवाइड बी. हियर 12 एंड दिस आर को प्राइम 12 एंड सी दिस इज 10 12 टू द पावर 10 इंटू बी बी से कुछ और. जस्ट अ सेकेंड, दिस लैम्डा सो 12 अभी नहीं, यहां पर 12 और एक को प्राइम नहीं है, 2 स्क्वायर आ रहा है. एंड नाउ 12 टू द पावर 10 डिवाइड्स लैम्डा. नाउ इफ 10 टू द पावर 12 टू द पावर 10 इंटू लैम्डा, दिस परफेक्टली करेक्ट. नाउ इफ 12 दैट मींस व्हाट, इफ 12 टू द पावर 11 वांट्स टू डिवाइड इट रिक्वायर्स वन मोर 3. अगर हम जब कहते हैं ना कि m डिवाइड कर रहा है लैम्डा को तो इट शुड कंटेन एवरी दैट पॉसिबल
प्राइम विच इज ऑल्सो इन एम. अगर एक भी एक्स्ट्रा प्राइम एम के पास आ गया, इट डजेंट डिवाइड. एम कैन कंटेन ओनली दोज प्राइम विच आर इन लैम्डा. डिवाइजर्स कैन नॉट कंटेन एक्स्ट्रा प्राइम. ये तो जानते हैं हम लोग ना, जब डिवाइड करते हैं, सो इफ एम डिवाइड्स लैम्डा, एवरी दैट प्राइम विच इज इन एम मस्ट बी इन लैम्डा. इफ देयर इज नो सच प्राइम, मींस देयर इज सम एक्स्ट्रा प्राइम इन एम विच इज नॉट इन लैम्डा, इट कैन नॉट डिवाइड. हियर इट इज हैपनिंग द सेम. द मूवमेंट आई एम टेकिंग वन मोर, जैसे यहीं पे ले रहे हैं ना, इट इज व्हाट इन दिस फॉर्म, जो भी 24 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया तो यहां क्या बचा लैम्डा. अब फर्दर डिवाइड करना बंद कर देगा क्योंकि दैट 12 हैज वन एक्स्ट्रा प्राइम 3, दो दे आर नॉट को प्राइम. ये तो हमारे स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है. प्राइम है तो ठीक है, इसमें ठीक राइट कह सकता हूं मैं, बट यहां एक और रूल लगाना पड़ेगा हमको, दैट एवरी प्राइम. आप CSIR नेट या IIT JAM मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें आप घर बैठे बैठे CSIR नेट. IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री. डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए या QR कोड स्कैन करिए. विच इज इन द डिवाइजर मस्ट बी अवेलेबल इन द डिविडेंड, दैट इसमें तो होना चाहिए इसको. सो हियर 12 डजंट डिवाइड लैम्डा. व्हाई सो? 12 हैज वन मोर प्राइम 3 अदर देन 2. वो 2 स्क्वायर है यहां पर, बट इट हैज वन एक्स्ट्रा प्राइम 3 विच इज नॉट हियर. सारे यहां एग्जॉस्ट हो चुके, सो इट कैन नॉट डिवाइड. सो इट विल डिवाइड अप टू 10 टाइम ओनली, नॉट 11 टाइम. 11 टाइम इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, 10 टाइम में तो खत्म कर देगा इसको. 11 वाला कहां से मिलेगा? इसी लैम्डा से मिलना चाहिए. लैम्डा डजंट कंटेन 3. ये सारे प्राइम यहां पर एग्जॉस्ट, तो यहां ऐसे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जो लार्जेस्ट प्राइम जैसे एग्जॉस्ट हो जाएगा वो डिवाइड करना बंद कर देगा. ठीक है, और आप लिखोगे भी वैसे ही ना उसको, 24 फैक्टोरियल को लिखोगे आप. किसे डिवाइड कर रहे हो? 12 टू द पावर 10 इंटू सम फैक्टर क्यू प्लस आर. दिस आर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 12, सो इट शुड कंटेन 3, इज नॉट देयर. चलिए आएगा अभी तो नंबर 3 बहुत है. एक नंबर 3 के एक क्वेश्चन के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा आपको. लिखिए, पेज पलट लीजिए, भगवान का नाम लेके अलजेबरा स्टार्ट हो रही है. टॉप हेडिंग क्या था आपका? सेकेंड यूनिट बाइनरी ऑपरेशंस एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, है ना? बताइए बाइनरी ऑपरेशन से क्या समझते हैं, जो बचपन में पढ़ा होगा. बाइनरी ऑपरेशन, एक तो ना सबसे पहले दिमाग से ना वर्ड ऑपरेशन निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए. जो 12th से करते आ रहे ना ऑपरेशन, मतलब कैलकुलेशन, गुणा, भाग, फॉरगेट दैट. बाइनरी, दो वी आर यूजिंग वर्ड बाइनरी ऑपरेशन, बट अल्टीमेटली इन योर माइंड द कॉन्सेप्ट शुड बी अ फंक्शन मैप. ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके, कि हम लोग मैपिंग की बात कर रहे हैं. द मूवमेंट यू कंसीडर एज अ मैप, ऑलवेज बाइनरी ऑपरेशन यू शुड कंसीडर एज अ मैप. द टर्म मैप फंक्शन, हियर वी आर यूजिंग वर्ड फंक्शन एंड मैप्स एज सिनोनिम, दो दे आर नॉट सो. हम कॉम्प्लेक्स में सीख भी पाएंगे द डिफरेंस बिटवीन मैपिंग एंड फंक्शन, बट सो फार वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द वर्ड मैप फॉर फंक्शन ओनली, सिनोनिम्स. ठीक है, इट्स केवल लैंग्वेज है और कुछ नहीं है. अब समझिए यहां से, दिस इज वन सेट, दिस होल इज वन सेट ए. आई टेक ए क्रॉस ए. इन ए क्रॉस ए ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर अवेलेबल, कॉल इट बी. दिस से दिस सेट ए, नाउ ए क्रॉस ए इज नाउ बी. व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ बी? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट्स. हम एक एलिमेंट आएंगे, देर विल बी टू नेम्स, इज इट X1 X2 ऑर्डर्ड पेयर, एंड इज नॉट इक्वल टू X2 X1 इन जनरल, अनलेस X1 इक्वल टू X2, बिकॉज दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दैट वी नो. वी हैव अ सेट, नाउ टेक एनी सेट X, फ्रॉम दिस सेट B टू X आई कैन डिफाइन मैप. मैप में यही तो करना होता है, लाइन ड्रॉ करते हो मैप बन जाएगी फंक्शन. सो इंस्टेड ऑफ X आई टेक A अगेन, so I have B which is A cross A, and I take A again,
ए एंड आई कैन डिफाइन मैथ फ्रॉम बी टू ए एज वेल. जैसे मर्जी डिफाइन कर दीजिए. एस जे ए दिस इज ए बट इज ए क्रॉस ए एस 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 जे एस ए जे एस जे जे और जे ए और भी हैं. लो ए एस ए जे और ए ए हो गए. टू ए एस जे ए डिफाइन कर दो मैम. इफ दिस इज फाइनाइट इफ दिस इज फाइनाइट सेट से एन एलिमेंट ए क्रॉस ए विल हैव एन स्क्वायर एलिमेंट एंड हियर इट हैज एन एलिमेंट सो यू कैन नेवर डिफाइन वन वन ऑन टू मैप. यू कैन डिफाइन ऑन टू बट नेवर वन वन. वन वन तो कभी नहीं बनेगा. फ्रॉम सेट एम टू एन एंड एम इज ग्रेटर देन एन वन वन फेल्स टू एग्जिस्ट. बनती ही नहीं है वन वन. बनेगी कभी? इनफाइनाइट में हो सकता था. आपको पता है कि एन क्रॉस एन और एन सिमिलर होते हैं. You have proved this is countable infinite, this is countable infinite. So there exists one one onto map between these two. But for finite set, it is impossible. That A cross A, where A has more than one element. If A has one element, so A cross A has only one element. A has one element, so ek to bani jayegi. But if it has more than one element, so N square is always greater than N for N greater than 1. N square, hamesha N se bada hoga, agar N 1 se bada hai to. So from A cross A to A, we can never define one one map. But on two, that's up to your choice. You map all the element to S, map there. All the element to J or all the element to A. Few element to S, few to J, forget about A. Or three, these three to S, these three to J and these three to A. This is also a map. So there are different possible maps from A cross A to A. When you start with this kind of concept, let us take set A, define A cross A, I'll get ordered pair, and then from A cross A to A, let us define map, various possible maps. But the moment you start defining map from A cross A to A, you agree at one point, you are assigning pair to one element, a pair to another element, and pair are from the same set, and to which we are assigning is again from the same set. The pair I have taken, suppose A comma B, if it is A cross B, A cross A, if map is from A cross A to A, and F of A comma B, suppose C, so A, B, C, all are element of A only. So this pair is mapped to C. And I know A comma B, ordered pair, need not to be equal to B comma A. A comma B need not to be equal to, so it is another element. So F of B comma A may be some C prime. Or some D say, but this map is available. So ultimately, we are interested in maps of the form from A cross A to A, in which we agree at one point, let us make all possible ordered pairs, and then each ordered pair will be mapped or assigned to one element of the set. Since it is function, assignment has to be unique, and every element has to be assigned. Then this assignment. This assignment, ये F देखना, F of A B, अच्छा यहां bracket लगाना allowed जरूरी नहीं है. कि आप चाहो generally आप F x लिखते हो S A, X is element and उसके बाहर bracket. Here this is the element, तो हमें actually ऐसे लिखना चाहिए. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Life? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. But this is allowed. You can skip this bracket when the concept is of ordered pair. This allowed. Understood ki ye aisa hai. But even if, agar hum bahut precise hone ki koshish karte hain, yahi karna hoga humko. This is equal to what? C. So, to express this actual notation na, if F is mapped from A cross A to A, this is element, this is bracket for mapping, and this is equal to C. Ek comma b lagao. Count karte hain. Ek. दो तीन चार पांच छह सात आठ वन टू एट सिंबल्स करेक्टर्स सी वाइल टाइपिंग हाउ मेनी करेक्टर यू नीड एट करेक्टर इंस्टेड ऑफ दोस एट करेक्टर्स ना लेट अस राइट इन दिस वे
इट इज जस्ट नोटेशन दैट इमेज ऑफ ए कॉमा बी इज एस ए स्टार बी। अब अगर ये आप लोग नहीं समझ जाते स्माइली भेज दे तो समझ में आ जाता क्या हो गया, नहीं व्हाट्सएप से इतने से मालूम चल जाता है, अजीब अजीब से मुंह बना देते हैं उसमें अंदर, और लोग समझ भी जाते हैं, बड़ी बात ये लोग समझ भी जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज तो यहां पर भी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगर ये अलाउड भी है तो भी मेरे पास कितने सारे कैरेक्टर थे, अगर टाइप करना चाहो कीबोर्ड पे तो इतनी बार करना पड़ेगा ना, बेटर कि इसको ए स्टार बी लिखना शुरू कर दे। तो नाउ इट्स नोटेशन फॉर अस, एक सिंबल हम लोग का सिंबल बन गया, नहीं बन गया। सो व्हाट इज ए स्टार बी, ए स्टार कुछ भी लगा लो आप, ए की जगह आप कुछ भी लो, ऑल इट्स मेयरली सिंबल, मेयरली अ सिंबल, बट इट मीन्स देयर इज सम मैप। इफ दिस इज इक्वल टू सी, देयर इज सम मैप फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए एंड एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू सी, एंड देन ऑब्वियसली यू विल से देन सर बी स्टार ए मस्ट बी इमेज ऑफ बी कॉमा ए एंड इट नीड नॉट टू बी सेम, ऑब्वियसली देन ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, दिस ऑब्वियसली ना कि भाई ए एंड बी आर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर एंड बी कॉमा ऑर्डर पेयर आर डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट इमेजेस, कैन हैव नॉट नेसेसरीली, पॉसिबिलिटी तो है ना। सो इसको एंड देन दिस स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, सो अल्टीमेटली इट इज जस्ट अ नेम बाइनरी ऑपरेशन, वी आर नॉट ऑपरेटिंग समथिंग, है ना, ऑपरेट कर रहे हैं 2+3=5, इट मींस व्हाट, द ऑर्डर पेयर 2, 3 इज मैप टू 5। अब उस ऑपरेट उस स्टार को नाम दे दिया आपने प्लस, वो भी एक सिंबल ही हुआ ना, ये जो प्लस है ना 2+3 प्लस एंड 2+3i, ये दोनों प्लस सेम नहीं है, ये प्लस है और ये होरो प्लस है, यहां तो 5 आता है, यहां तो आज तक कुछ नहीं आया, ऐसी रहता है ये कई सालों से ऐसे ही है ना, ये इक्वल टू समथिंग, इट इज नोटेशन, इट इज बाइनरी ऑपरेशन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नोटेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन, बी वेरी केयरफुल फॉर नोटेशन एंड फॉर ऑपरेशन, एंड इंपॉर्टेंटली देयर इज नो टर्म एज सच ऑपरेशन अलोन, अकेला वर्ड ऑपरेशन कहीं यूज किया आपने पूरी मैथ में, अकेला ऑपरेशन वर्ड यूज नहीं करते, इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बोलचाल में बोल देते दिस ऑपरेशन, नो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन जैसे वर्ड भी यूज होते हैं, एनरी ऑपरेशन भी होते हैं, बट नॉट जस्ट ऑपरेशन, है ना, देयर इज नो टर्म एज सच ऑपरेशन, अर्थमेटिक में होते हैं बेसिक ऑपरेशन, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, देन देयर वी डोंट डिस्कस बाइनरी ऑपरेशन, है ना, वहां बताया था इफ दीज आर बेसिक ऑपरेशन देन द ऑर्डर ऑफ दीज ऑपरेशन गिवन बाय बोडमास, बोडमास जानते हैं ना, जैसे ओडोमास होता है, क्या होता है बोडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, है ना, आगे ये भी हमको रूल यूज करना पड़ेगा, व्हेन वी डेवलप न्यू काइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देन देयर ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटिविटी वी नीड टू यूज देम, गॉट द आइडिया, सो दिमाग में रहना चाहिए व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, अ मैप फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज डिफाइंड एज बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, इवन वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ऑपरेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ऑपरेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लैंग्वेज, हम बार बार आपसे कहते रहते हैं इसको दिमाग में बिठालना है कि वेरी केयरफुल अबाउट लैंग्वेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन ओवर समथिंग लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज एफ टी ई आर, सो योर फर्स्ट ट्राई शुड बी एग्जैक्टनेस, कि ठीक है एक बार ठीक से बोलते हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर कि मुझे ये लैंग्वेज यूज करनी है। एक कॉपी चेक हुई थी 12th स्टैंडर्ड की, उस केमिस्ट्री की बोर्ड की, 12th में बोर्ड के थे तो बोर्ड एग्जाम का कॉपी चेक हो रही थी, मेरे ग्रैंडफादर उसमें मेंबर थे, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसके अंदर सारी कॉपी आती थी, वहीं चेक होती थी, तो मुझे भी ले गया, बस इन 10th स्टैंडर्ड और 10th और 11th स्टैंडर्ड, तो मैं साथ में गया उनके, एक यंग फैकल्टी था वो चेक कर रहा था कॉपी, केमिस्ट्री कॉपी थी, मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने कितनी कस के हड़काया था उसको, जो डाटा था दादाजी ने कि वो घूम रहे साथ साथ में, उसके पीछे आए खड़े हुए, उसने एक क्वेश्चन लिखी ऐसे गोल किया 2 मार्क्स डेफिनेशन, पता नहीं सॉल्वेबिलिटी सॉल्यूशन कुछ डेफिनेशन लिखने को आई थी, 2 मार्क्स डेफिनेशन समथिंग दिया, उसने 1 मार्क देके
आज बड़ी अच्छी मार्किंग होती, तब बहुत टाइट मार्किंग होती, यूपी बोर्ड में 80% में टॉप कर जाया करता था पहले, आज मेरे ख्याल से 90% भी आ जाते हैं, बट अभी भी आ जाते हैं 90% तो भी आ जाते हैं, बट अर्लियर इट वॉज नॉट। मुझे याद है कि 92-93-94 तक तो नहीं आता था, 80% वॉज गुड इनफ। सो उन्होंने एक मार्क दिया तो उन्होंने उसको रोका, मैंने कि एक मार्क क्यों दिया आपने, उन्होंने पूछा एक मार्क क्यों दिया आपने, सर लैंग्वेज है, डेफिनेशन है। व्हाट ही सेड, यू राइट बेटर देन दिस, ही सेड यू राइट बेटर देन दिस डेफिनेशन, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट बेटर देन दिस डेफिनेशन व्हाई यू हैव रिड्यूस वन मार्क। मार्क्स कम करने का पर्पस यही होता है, सपोज मैथ्स का एक क्वेश्चन हो फुल्ली करेक्ट, यू हैव सॉल्व कंप्लीटली करेक्ट क्वेश्चन, मीन्स सपोज कोई भी क्वेश्चन मान लेते, शो दैट फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव, फाइंड द मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन सॉल्व इट इजीली, 6 marks एंड आई गिव यू 4 marks सपोज, देन आई मस्ट हैव राइट टू रिजर्व 2 marks फॉर बेटर सॉल्यूशन, बिकॉज यू हैव यूज 10 lines एंड someone else हैज प्रोड्यूस इन 4 lines और 5 lines, दैट मीन्स ही हैज स्पेस बचाया, आपका लेबर बचा लिया, तो बेटर एलिगेंस का मार्क्स रखा है, बट हाउ कैन यू डायरेक्ट मार्क्स इन डेफिनेशन। वो मैं जो ज्ञान मिला वहां पर कि डेफिनेशन मार्क्स करने राइट किसी को नहीं है, एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट, इफ एग्जैक्ट इज रिटन यू हैव टू गिव कंप्लीट मार्क्स, तो डेफिनेशन की ये इंपॉर्टेंस होती है कि उस पर आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, वर्बल लैंग्वेज में भी, मतलब इंप्रेशन में भी कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। सो वेन एवर यू यूज डेफिनेशन, ट्राई टू यूज कंप्लीट डेफिनेशन एंड देन क्रॉस चेक यू हैव अंडरस्टूड एवरी वर्ड इन द डेफिनेशन और नॉट। ये दो चीजें हैं, इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरी वर्ड इन द डेफिनेशन, व्हाट इज अ रिलेशन, a relation from a set A to another set B is a subset of A cross B. Okay, one technical term A cross B, one word subset. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. And then कंबाइनिंग द वर्ड रिलेशन, क्लियर हो रहा है कि ये होना चाहिए। ओके दैट मीन्स एवरी, यस एवरी सबसेट हैज टू बी अ रिलेशन। ओके सो इफ आई वॉन्ट टू काउंट, सो आई जस्ट नीड टू काउंट सबसेट्स। ओके एवरी सबसेट, सो ए क्रॉस बी के सबसेट काउंट करें। नाउ एनालाइज ए क्रॉस बी, ए हैज एम एलिमेंट, बी हैज एन एलिमेंट, ए क्रॉस बी हैज एम इन टू एन एलिमेंट, सो हाउ मेनी सबसेट, 2^m × n, वो अपने आप देना शुरू कर देगा आपको। ठीक, बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम नॉन एम्प्टी वर्ड यूज करते हैं, रिलेशन के लिए यूज नहीं किया था। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेदर ए एंड बी आर एम्प्टी और नॉट, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बट फॉर बाइनरी ऑपरेशन वी स्टार्ट विद दिस, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, वी आर डिफाइनिंग बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, let A be a non-empty set, then a map from A cross A to A, then map from A cross A to A defines a binary operation on A. A map from A cross A to A defines a binary operation on A, है ना, दैट इज इफ एफ इज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए एंड देन एफ डिफाइंस अ बाइनरी ऑप्शन ऑफ ए, दैट इज इफ एफ इज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए देन एफ डिफाइंस अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए एंड इफ एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू सी वी एडॉप्ट a symbol star say asterisk say to denote f of a b as a b, ये notation किसके लिए हुआ, a star b means image of a comma b, बचा तो हो गई नहीं हो गई, आप बचपन में ये करते रहे हो ना, diagonal lambda 1 lambda 2 lambda 3, कितना आसान हो गया आपके लिए। वैसे तो ये इतना बड़ा डब्बा सा है कि ये लिखना, फिर ये कीबोर्ड पे लिख भी नहीं सकते आप, अगर टाइप करना हो तो ये नहीं कर पाओगे, यू नीड मैथ टाइप और लेटेक्स, बट यू कैन ऑलवेज राइट दिस, सो दिस इज व्हाट समटाइम कन्वीनियंस टू से समथिंग। सो हियर एफ ऑफ
टू डिनोट ए कॉमा बी इक्वल टू स्टार बी एंड देन वी राइट एंड देन वी राइट ए स्टार बी इक्वल टू सी. टर्मिनोलॉजी बन गई कि हमारी ए स्टार बी इज इमेज ऑफ ए कॉमा बी एंड इफ इट इज सी देन वी राइट ए स्टार बी इक्वल टू सी एंड सी इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अंडर स्टार इन दिस ऑर्डर ए स्टार बी इज नॉट बी स्टार ए. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब हम जब ये लिखते ना प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये जो वर्ड यूज कर रहे हो ना मींस इमेज ऑफ ए कॉमा बी और ए स्टार बी, ये नोटेशन यूज करेंगे हम. इनटू डॉट ये सब बोलेंगे तो कहीं भी दिमाग मत लेके आना कि ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है. प्रोडक्ट मतलब इमेज ऑफ ए स्टार बी, एक नया वर्ड क्योंकि ऑपरेशन वर्ड अडॉप्ट कर लिया अगर हमने ना तो प्रोडक्ट वर्ड भी अडॉप्ट करने कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग में ये रहना चाहिए प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट है. तो हम बजाय रिजल्ट कहने के ठीक है प्रोडक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं. आगे देखिए अब आपको रूल बनाना है, जो भी बनाना है रूल बनाइए. रूल क्या क्या रूल हो सकते हैं, मैप के जितनी बार के रूल बनेंगे बनाते रहिए आप. जैसे ए ए बी ए ए बी और बी बी, मैप व्हाट इज ए स्टार बी ए बी स्टार ए ए, सबको निकाल सकते हो ए स्टार ए ए. ठीक है अच्छा एक चीज देखिएगा, लिखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए, ए स्टार बी इधर कर दिया और ए स्टार बी इधर भी कर दिया, देखें क्या होता. ये क्या है मेरा ए, अभी कोई आफत नहीं आई है. बट अगर मैं यहां पर स्टार ए करता, स्टार ए कर दिया क्या होता है यहां पर, ये ए स्टार ए यहां ये आया और ये क्या है बी स्टार ए किसकी खुलाया और ये स्टार ए अभी भी आया. बट ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो, मैं दो तीन एलिमेंट और लेता ना थोड़ा मगर तो ये फेल हो सकता था. हम यहां से इक्वल इक्वल करते आ रहे हैं बट आगे तक गड़बड़, यहां कुछ और आ जाए वहां कुछ और आ जाए. इट मीन्स व्हेन वी यूज मोर देन टू एलिमेंट टू ऑपरेट सम मोर रूल्स आर रिक्वायर्ड, है ना, कुछ और एलिमेंट यूज करें कुछ और कुछ. पहला तो यह कि मैप रूल ऐसा हो कि हमेशा इसका एलिमेंट इसमें जाए. ठीक है अब हम वो रूल बनाएंगे, विल ट्राई टू मेक अ पेयर फ्रॉम एन क्रॉस एन, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी एंड देन बाय रूल द रिजल्ट शुड बी दिस. इफ रिजल्ट इज इन अगेन इन ए दैट इज अ मैप एंड देन दिस मैप विल बी कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. सर्टेन एग्जाम्पल्स लिखिए. होप यू आर लाइकिंग दीज लर्निंग वीडियोज. वॉन्ट टू स्टडी विद दुबे सर लाइव? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.